हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मैं जमशेदपुर में हूँ, अपने होम टाउन में। झारखंड में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों सर्दी बहुत शुरू हो गई है धीरे धीरे। इसके लिए मैं आज लहसुन और ओल सूरन का अचार मैं बना रही हूँ। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। मैं फटाफट बना रही हूँ, बहुत जल्दी बनने वाला रेसिपी है। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक कटोरी तेल लिया, 250 ग्राम के लगभग। उसे गरम करके ठंडा कर दिया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा एक पिंच हींग डालूंगी। उसके बाद मसाले हैं, मसाले मैं डाल रही हूँ। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 1 चम्मच, मिर्च स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मैंने लिया, और ये गरम मसाला भी मैंने 1 चम्मच लिया, और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच दरदरा पीला सरसों। थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी 1/4 चम्मच लिया मैंने। मसाले डाल दे रही हूँ। इसके बाद अच्छे से इसे मिला देना है मसालों को। तेल गरम नहीं रखिएगा क्योंकि ये सरसों तेल में मैं बना रही हूँ। सरसों तेल को अच्छे से गरम करके रूम टेम्परेचर ठंडा कर देना है। और अब देखिए दोस्तों, मैंने 100 ग्राम लहसुन की कलियां लेकर के उसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, वो डाल देती हूँ। और ये 100 ग्राम के करीब अदरक लिया, उसे भी ग्रेट कर लिया, कद्दूकस कर लिया, वो भी डाल दे रही हूँ। ये कच्ची हल्दी के ग्रेट करके लिया हुआ है, 2 साइज मैंने ली कच्ची हल्दी के, उसको ग्रेट कर लिया। ज़्यादा हल्दी डालने से टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और ये है दोस्तों 1/2 किलो सूरन ओल, जिसे बिहार झारखंड में ओल भी कहते हैं, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके पानी निकाल लिया, छन्नी के सहायता से पानी निकाल लें। और अगर नहीं छन्नी की सहायता से पानी निकालना चाहती हैं तो 2-3 घंटे फ्रिज में रखते हैं ऐसे ही प्लेट में, तो पानी सूख जाएगा, वो मैं डाल दे रही हूँ। 1/2 किलो है पूरा।
रंग को मिला दे रही हूँ अच्छे से दोस्तों। अगर आपके पास कच्चा हल्दी नहीं है तो प्लेन हल्दी भी थोड़ा सा डाल दीजिए आधा चम्मच, और अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें डाल दीजिए आमचूर पाउडर एक चम्मच, लेकिन मैंने नहीं डाला है, सरसों डालने से ये ऐसे भी खट्टा हो जाता है। दोस्तों इसे मैंने अच्छे से मिला लिया, देखिए इसके बाद कोई सा भी बोतल में, कांच की बोतल होनी चाहिए, इसमें भर दें। पानी नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ बोतल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें तेल कम हो रहा है तो तेल को थोड़ा गर्म करके और ठंडा करके फिर ऊपर से डाल दीजिए। और ये दोस्तों अचार तैयार है। इसे धूप में 15 दिन रखना पड़ेगा, 15 दिन में खाने लायक हो जाएगा। इसे कपड़ा बांध करके धूप में रख दें, या कपड़ा नहीं बांधते हैं तो इसका ढक्कन ज़ोर से बंद ना करें, हल्का हल्का सा ऐसा कर दें, और इसे सुबह शाम 2 बार चम्मच से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और खाने में ये इतनी स्वादिष्ट, 15 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा, लेकिन खाने में इतनी स्वादिष्ट है ये, आप पूछिए नहीं, मेरे तो मुंह में पानी अभी से आ रहा है। तो ये देखिए अचार तैयार हो गया, मैं इसे धूप में डाल दे रही हूँ, 15 दिन के बाद खाने का लायक हो जाएगा। और इसे कैसे भी खाइए, रोटी चावल जैसे भी खाना है खाइए, साग में करके, पालक लाल साग में भी मिला के खाइए। ये बहुत गर्म होगा, ये सर्दी के दिनों में हमारे यहाँ झारखंड बिहार में अवश्य बनता है, हर घर में बनता है। 2 महीने 3 महीने सर्दी पड़ती है तो ये सर्दी का अचार आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।